सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन किस लिए भाई? कल वाले वीडियो के लिए मुझसे भारी गलती हो गई, मैं एक कैरेक्टर मिस कर गया जो तुम मुझे बार बार कमेंट सेक्शन में लिख के बता रहे हो भाई, उसके लिए सॉरी। दे पाओ तो दे देना माफी। वैसे आज हम बात करेंगे टॉप 6 मोस्ट अंडररेटेड एनिमे ऑफ 2023। नंबर 6, मोबाइल सूट गंडम द विच फ्रॉम मरकरी सीजन 1 एंड सीजन 2। गन फॉर्मेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी हेल्प से एक नॉर्मल इंसान आराम से स्पेस में भी काम कर सकता है बिना किसी जान के खतरे या प्रॉब्लम के। लेकिन इस गन फॉर्मेट से बनाए हुए सभी सूट को बैन किया जा रहा है क्योंकि ये मोबाइल सूट ओवरचार्ज होने पर अपने पायलट को ही मार देते हैं उनकी बॉडी पर ज्यादा प्रेशर आने की वजह से। लेकिन इसी सब के बीच एक छोटी सी 4 साल की बच्ची है जो गन फॉर्मेट पर बेस्ड सबसे पावरफुल सूट एरियल को पायलट कर पाई थी और वो आज इतने सालों तक भी जिंदा है। यहाँ तक कि उसे तो पता भी नहीं है एरियल एक गंडम है और एरियल इस यूनिवर्स का आखिरी बचा हुआ गंडम है। तो कुल मिला के तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना है, क्या वो लड़की खुद को और एरियल को इस पूरे यूनिवर्स से बचा पाएगी और क्या वो अभी जिनके साथ रह रही है वो भरोसा करने लायक है। और हाँ, अगर तुमने ये एनिमे नहीं देखा तो इसका हिंदी वर्जन भी क्रंचीरोल पर अवेलेबल है, चाहो तो वो देख लेना, काफी बढ़िया एनिमे है। नंबर 5 पर आता है हैंडीमैन साइटो इन अनदर वर्ल्ड। तो इस साल बहुत सारे इसका एनिमे रिलीज हुए लेकिन उनमें से 2 या 3 बस ऐसे एनिमे है जिन्हें देखने के बाद तुम कह सकते हो हाँ भाई ये अच्छा था। और ये एनिमे उन्हीं अच्छे एनिमे में आता है और इसकी 2 वजह है। पहली तो स्टोरी जो ज्यादातर इसका एनिमे के अंदर होती नहीं है लेकिन इसके अंदर है, और दूसरी कॉमेडी क्योंकि उसमें एनिमेशन की जगह जोक्स का यूज किया है जो थोड़ा फ्रेश फील होता है। अब इसके प्लॉट की बात करें तो हैंडीमैन साइटो एक मैजिकल वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाने के बाद वहाँ एक पार्टी से मिलता है जिसमें 3 लोग थे और ये 3 लोग एक ऐसे मेंबर की तलाश में थे जो इनके लिए ताले तोड़ सके। और साइटो यही तो करता था, वो स्किल्ड मैकेनिक है भाई। जिसके बाद ये चारों अलग अलग एडवेंचर्स पर निकलेंगे जिनके बीच में तुम्हें देखने को मिलेंगी कुछ मिस्ट्रीज, अच्छा एक्शन एंड थोड़ा सा रोमांस। तो ये भी काफी अच्छा एनिमे था, इसका एनिमे के फैन हो तो इसको ट्राई कर सकते हो, इसका भी हिंदी वर्जन क्रंचीरोल पर अवेलेबल है। नंबर 4, सुगर एप्पल फेरी टेल। तो यार ये एनिमे सभी के लिए नहीं है क्योंकि इसका थीम स्लेवरी पर बेस्ड है। एक ऐसी दुनिया जहाँ फेरीज एंड ह्यूमंस साथ में इक्वलिटी के साथ रह रहे थे लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि इंसानों को फेरीज को अपना गुलाम बनाने का तरीका नहीं पता चला। लेकिन इसी सब के बीच एक लड़की है जो एक बार फिर से सब कुछ पहले जैसा करना चाहती है, लेकिन इससे भी पहले उस लड़की की लाइफ का मेन गोल है अपनी माँ के बाद उनकी पोजीशन पर बैठना, और इसके लिए उसने भी वही किया है जो सब कर रहे थे, एक फेरी को अपना ड्रीम अचीव करने तक के लिए स्लेव बना लिया। तो इस एनिमे में तुम्हें देखना है अब कैसे जब वो लड़की और ये फेरी साथ में एक रास्ते पर ट्रेवल कर रहे होंगे तब क्या क्या चीजें होंगी जो इनके बीच बदलने लगेंगी जब उनको एक दूसरे के ट्रू डिजायर समझ में आएंगे। तो ये एक फैंटेसी रोमांस एनिमे है, अच्छा लग रहा हो सुनने में तो देख लेना। नंबर 3, इंसोम्नियक आफ्टर स्कूल। इंसोम्नियक क्या है अगर तुम्हें नहीं पता तो ये एक डिसऑर्डर है जो जिस भी किसी इंसान को होता है उसे रात को नींद नहीं आती या फिर सिंपली कहें उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहता है। और इस एनिमे में तुम्हें ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, एक लड़का है जो रात को सही से सो नहीं पाता जिसकी वजह से वो स्कूल में दिन भर इरिटेट रहता है, वो हमेशा जुगाड़ में रहता है कहीं उसे थोड़ा सा सोने को मिल जाए। और ऐसे ही एक दिन जब वो अपनी जुगाड़ लगा रहा था तभी उसे स्कूल की ऑब्जर्वेटरी में एक लड़की मस्त मगन सोती हुई दिखी एंड बाद में उसे पता चला उस लड़की को भी उसी की तरह सेम डिसऑर्डर है, जिसके बाद ये दोनों इंसोम्नियक बडीज बन चुके हैं। अब उन्हें वो अकेलापन महसूस नहीं होता जो पहले होता था, और एक दूसरे का साथ होने से अब उन्हें ये डिसऑर्डर उतना भी बुरा नहीं लग रहा जितना पहले लगता था। नंबर 2, स्किप एंड लोफर। अगर तुम्हें स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे देखना पसंद है और इस साल तुम इसे मिस कर गए हो तो बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ क्योंकि ये कोई मिस करने वाली चीज नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा मैंने भी इसे इसका पोस्टर एंड कैरेक्टर्स के लुक्स देख के छोड़ दिया था, लेकिन जब मैंने ये देखा तब मुझे समझ आया यही तो इसकी यूनिकनेस थी। जहाँ तुम्हें मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट की बड़ी बड़ी आंखें देखने को नहीं मिलती, कैरेक्टर्स के चेहरे लाइट नहीं मार रहे हैं, कुल मिला के बात करें तो ये एनिमे तुम्हें सुबह की फ्रेश एयर की तरह फील होता है। तो मित्सुमी इवाकुरा अपने होम टाउन से टोक्यो शिफ्ट हुई है कुछ बड़े बड़े सपने लेकर, उसे अपनी कंट्री में बदलाव लाना है और ये करने के लिए कॉन्फिडेंस की उसके अंदर कोई कमी नहीं है, पर वो फंसी हमेशा ऐसे लफड़ों में रहती है जो एक समझदार इंसान के आसपास भी नहीं भटक सकते। लेकिन अच्छी बात यह है स्कूल के पहले ही दिन पर उसे एक लड़का मिल गया है जो उसे टोक्यो के अकेलेपन की फीलिंग से कम दूर रखे हुए है। एंड नंबर 1 पर आता है इस साल का सबसे बेस्ट एंड सबसे अंडररेटेड एनिमे ही वाली डिल्यूजन। मुझे पता है तुमने भी नहीं देखा होगा, एक बेहतरीन स्टोरी लाइन एंड कमाल के कैरेक्टर्स होने के बाद भी ये एनिमे सभी की नजरों में नहीं आ पाया। इसका सबसे बड़ा रीजन है इसकी अवेलेबिलिटी, क्योंकि ये एनिमे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो तुम्हारे दिमाग में गलती से भी हिट नहीं करता जब तुम एनिमे देख
देखने के बारे में सोच रहे हो। अब इसके प्लॉट की बात करें तो एक ऐसी दुनिया जहाँ मॉन्स्टर्स की वजह से इंसान एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आ चुके हैं, जिसके बाद वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं यही तुम्हें इस एनिमे में देखना है। बस इतना ही समझना तुम्हारे लिए काफी है। और हाँ, आखिरी बार कह रहा हूँ, मिस मत करना, इसे पाप लगेगा। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल भी अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।